kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you addition and subtraction of length. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंथ की जो मेजरमेंट होती है मीटर सेंटीमीटर वाली, उसको एड किस तरीके से किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, एज इट इज इसके अंदर हम लोग एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. बस कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप से करने होते हैं. लाइक आपको यहाँ पे मैं एडिशन दे रही हूँ, एग्जाम्पल आपको एड करना है 57 मीटर एंड 35 मीटर. ठीक है, क्या करना है आपको, इनको एड करना है. एड करने के लिए आप इनको नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करोगे. अरेंज करना है आपको राइट करो, यहाँ पे 57 है पहले मीटर में, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप रुपीज एंड पैसे को ऐड करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या रखना होगा, मीटर वाला साइन. ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर का जो साइन होता है, जो यूनिट होती है वो लास्ट में आती है, तो हमने यहाँ पे मीटर राइट कर दिया. अब हम इसमें ऐड करेंगे 35 मीटर. ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ इस तरीके से अरेंज करना है इनको, चाहे ये मीटर में हो या सेंटीमीटर में, दोनों को आपको एक ही तरीके से अरेंज करना. ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर दिया. एडिशन करना है तो ऐड का साइन लगाएंगे. अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है. ऐड करना है तो मीटर वाले कॉलम में तो हम लोग मीटर वाला साइन राइट कर देंगे. जहां पे हमने मीटर राइट किया है आंसर में भी वहीं पे मीटर राइट करेंगे, और यहां से हमारा एडिशन स्टार्ट कर दीजिए. 7 + 5 = 12 कितना होता है, 12. तो उसके लिए हम राइट करेंगे यहाँ पे 2 और 1 को कैरी कर लेंगे. ठीक है, कैरी कर लिया हमने. अब हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम को ऐड करना है. तो 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9. ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हो गया 92 मीटर. ठीक है, ये तो हमारा हो गया एडिशन. अब अगर हमें इसी यूनिट का यानी कि 57 मीटर एंड 35 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना होता तब हम क्या करते, तो सब्ट्रैक्शन को भी मैं आपको यहीं पे इसको समझा रही हूँ वो अच्छे से. ठीक है, अब क्या करना है हमें, लाइक एडिशन तो हमने कर लिया, एडिशन समझ लिया, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्ट 57 मीटर एंड 35 मीटर, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें क्या करना होगा, इसको इस तरीके से अरेंज करना होगा. अरेंज हम कर चुके हैं, मैं इस आंसर को यहाँ से हटा देती हूँ. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग साइन किसका लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन. ठीक है, माइनस वाला साइन लगा देंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम लोग उसी तरीके से करेंगे, मीटर वाली लाइन में मीटर वाला लाइन, और इस वाले कॉलम से हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. 5 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 2, और 5 में से 3 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, इट मीन्स 22 मीटर इसका क्या हो गया, कम्प्लीट आंसर हो गया. तो चाहे हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें हमारी यूनिट का, हमें यूनिट को क्या करना है, अगर सिंगल यूनिट आती है लाइक मीटर है और सेंटीमीटर है, ठीक है, या तो मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, तो हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे. अब मैं सेंटीमीटर का भी आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे है आपके पास में 38 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर, आपको इसको ऐड करना है. ठीक है, ऐड 38 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, इसी तरीके से अरेंज करना है 38 सेंटीमीटर और फिर 29 सेंटीमीटर. एडिशन करना है तो एडिशन का साइन लगा देते हैं हम लोग. ठीक है, अब हम लोग सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मीटर को ऐड किया था उसी तरीके से इसको भी ऐड करते हैं. सेंटीमीटर वाले कॉलम में सेंटीमीटर 8 + 9 = 17, और 17 के लिए हम लोग यहाँ राइट करेंगे 7 और 1 को कैरी कर देंगे. 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6, और ये हमारा हो गया 67
सेंटीमीटर आंसर। इसी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कर देते हम लोग, ठीक है, लाइक आपको क्या करना होता है इसका, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग इसको क्या करते, यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते और इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम सेंटीमीटर है तो उस कॉलम में तो सेंटीमीटर ही राइट करेंगे, ठीक है, राइट कर दिया हमने। यहां से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, 8 हमारा स्मॉल है और 9 हमारा ग्रेटर नंबर है, तो कभी भी हम स्मॉल नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बोरो। और जिस कॉलम में से हम लोग बोरो करते हैं वो एक क्या हो जाता है, माइनस में, इतनी 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 8 की जगह 18, ठीक है। 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 और 2 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 09 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये ओनली हमारे पास में किसका हो गया, सेंटीमीटर और मीटर वाला। अब हमारे पास में तीसरी कंडीशन आती है कि दोनों यूनिट्स हमारे पास में एक साथ आ जाए, लाइक मीटर भी हो उसमें और सेंटीमीटर भी हो, तो कैसे आएगा क्वेश्चन आपके पास में, एंड 48 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 72 मीटर 90 सेंटीमीटर, आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने होते हैं। 2 कॉलम्स कैसे बनाएंगे हम लोग, आप चाहो तो इस तरीके से कॉलम बना सकते हो, मीटर वाला कॉलम बनाया आपने और एक सेंटीमीटर वाला कॉलम बनाया, ठीक है। इनके नीचे आप लोग अपने नंबर्स राइट कर सकते हो। सेंटीमीटर का जो कॉलम होता है उसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। कभी भी हम लोग जब सेंटीमीटर का कॉलम राइट करेंगे तो उसके अंदर हमेशा हमारे पास में कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट। अगर यहाँ पे 1 डिजिट भी आपको गिवन है तो सेकेंड वाला इधर से हमें राइट करना है, स्टार्ट करना है, लाइक मैंने यहाँ पे राइट किया 5, 6। तो अगर आपके पास में एक भी डिजिट है तो उस डिजिट को आप यहाँ राइट करोगे और यहाँ पे क्या राइट करोगे, 0। तो 65 हमने राइट कर दिया। अब हमारे पास में मीटर में कितना है, 48, तो 48 को यहाँ पे राइट कर देते हैं। मीटर में आपके पास में 3 डिजिट हो सकते हैं, कितने डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट। और सेंटीमीटर वाले कॉलम के लिए आपको क्या करने होंगे, ओनली 2 डिजिट राइट करने होंगे। इसके लिए अब आपको नीचे बार बार सेंटीमीटर और मीटर राइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने ये राइट कर दिया। और दूसरी वैल्यू कितनी आपके पास में, 72 एंड 90 सेंटीमीटर, तो 90 को हमने यहाँ राइट कर दिया और 72 को यहाँ राइट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, एडिशन स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटीमीटर को ऐड कर लेते हैं, ऐड करो, 5 + 0 = 5, 6 + 9 = 15 और 1 हमारे पास में बच गया, तो उस 1 को हम लोग मीटर में कैरी कर देते हैं, ठीक है। 1 + 8 = 9, 9 + 2 = 11, 11 के लिए हम लोग 1 राइट कर देते हैं और 1 को वापस कैरी कर लेते हैं। 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12 और ये हमारा आंसर आ गया, 121 मीटर 55 सेंटीमीटर। इसको अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो कि आपके पास में सेंटीमीटर में कितने नंबर्स होने चाहिए, ओनली 2 डिजिट्स। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इजीली कि मीटर कौन सा है और सेंटीमीटर कौन सा है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 121 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। अगर आपको इसी यूनिट को, इन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते आप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट 48 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 72 मीटर 90 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपने इसको जो अरेंज किया था एडिशन के अंदर, एडिशन पे तो हमारे पास में ऑर्डर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब मैंने आपको एडिशन बताया था तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ही बताई थी कि एडिशन के अंदर हम हमारे नंबर को किसी भी ऑर्डर में, यानी कि पहले, बाद में, कभी भी राइट कर सकते हैं, स्मॉल नंबर को, बिग नंबर को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास में ये इफेक्ट होता है कि जो बड़ा नंबर है, जो नंबर
बिग है उसको पहले राइट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर वाला हम लोग क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, मीटर में जो बड़ा होगा उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। यहाँ पे है 48 और यहाँ पे हमारे पास में 72, तो कौन सा वाला बिग नंबर है, 72 वाला बिग है, तो पहले हम लोग 72 वाले नंबर को राइट करेंगे। 90 सेंटीमीटर एंड 72 मीटर। सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो नंबर बिग है उसको पहले राइट करें। दूसरा राइट कर दो 65 और 48। साइन किसका लगाएंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीरो में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम लोग बोरो ले लेते हैं 8 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, यहाँ पे हम लोग 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ से बोरो कर लेते हैं। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 4 और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इट मीन्स इसका जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर कितना हो गया, 24 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर वाली लेंथ की। ठीक है, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।